हेलो एवरीवन, सो मेरी कन्याकुमारी के लिए सोलो ट्रिप्स आज स्टार्ट हो रही है। उसके बाद से मैंने साउथ इंडियन लंच किया, देन मैंने अपनी वॉल्वो बोट की जो कि डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए थी। कन्याकुमारी में एंड काफ़ी सस्ता पड़ा है मुझे, 2 nights का ओनली 1200 rupees एंड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एसी नहीं है तो एसी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फैन से काफ़ी ठंडा है रूम एंड काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो मेरा अगर बड़ा सा यहाँ बैठ के रेडी हो सकते हैं, यहाँ पर भी स्पेस रखने के लिए सामान उस साइड भी है और इधर भी है। रूम काफ़ी बड़ा है एंड वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन सा है। उसके बाद से मैं वैक्स म्यूजियम के अंदर गई, अंदर के कुछ क्लिक्स अंदर सेलिब्रिटीज के स्टैचूज बने थे। यहाँ से अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम वैक्स म्यूजियम गए थे, देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है।
उसके बाद से मैं बालाजी टेम्पल गई एंड ये बालाजी टेम्पल है वहाँ का फेमस टेम्पल, बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था और समुंदर के किनारे था ये एंड क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रखा था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चारों तरफ ग्रीनरी, समुंदर एंड मंदिर। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because you.
डेस्टिनेशन सुचिंद्रम टेम्पल. See the pond here. इसमें एक डक भी है. And I think ये टेम्पल है. कितना ब्यूटीफुल है. मैंने ले लिया. दिस इज द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल. रामेश्वरम 15 एकर एरिया. ये मंदिर 5 एकर एरिया. टोटली 1000 खंबा. ओके. पहले करंट नहीं आना. नो लाइट. पहले दीप जलाओ लेडी. तेल चढ़ाओ दिया. ओके. रामेश्वरम में नो लेडी लव नो डिजाइनिंग प्लेन खंबा. ओके. सब मंदिर पूरा ये नवग्रह देखेंगे ना. नवग्रह स्मॉल स्टैचूस अलग अलग जमीन पे रखते. ये मंदिर ओनली ऊपर है. ओके. नवग्रह पट्टी में 12 राशि. ओके. नवग्रह कारण अप्रैल से मई कह रहा थे 41 डेज. ओके. ये मंडव में एक शिवा पार्वती कन्याकुमारी बिठा करके पूजा का. हमको ग्रह दोष है ना. भगवान के ग्रह दोष. ओके. भगवान के ग्रह दोष निकालने के क्रम में नीचे भगवान. कहीं कहीं अलाउड था कहीं कहीं अलाउड नहीं था. अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. हम अपनी बस बोर्ड करने जा रहे हैं. ग्रीनरी माउंटेन दोनों हैं. बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट हो रखा था. ये ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा. यहाँ से व्यू देखो आप कितना सुंदर है. गाइस मैं फाइनली ओशन के पास आ गई जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था. आपको मेरी बात से दिख रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ. मेरा एक्साइटमेंट लेवल आपको दिख रहा होगा. तो चलो आगे समुद्र की तरफ बढ़ते हैं.
वॉज एट द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जहाँ पे तीन सागरों का संगम होता है एंड मुझे ऑलवेज से इंडिया के लास्ट पॉइंट पे जाना था एंड मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा था। समुद्र की लहरें और ये हवा अमेजिंग। मैं अपने बाल लहराते हुए जो समुद्र की लहरों से जो हवा आ रही थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। पर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ। सो इसी तरह मेरा फर्स्ट डे एंड हुआ कन्याकुमारी में। डे एंड में मैं बीच पे गई जो कि मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था जिसके लिए मैं कन्याकुमारी गई थी एंड बहुत अच्छा रहा डे।